तो गाइस सबसे पहले मेरी तरफ से सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली पूरे साल में एक बार आती है, तो जम के सेलिब्रेट करना, खूब सारे पटाखे फोड़ना और बहुत ज्यादा एंजॉय करना। पर ये ध्यान रखना कि कहीं आप अपने पटाखों को अपने हाथ में मत फोड़ लेना, क्योंकि अगर आपका पटाखा आपके हाथ में फट गया तो ये बात याद रखना कि आप फिर गेम नहीं खेल पाओगे। तो गाइस अच्छे से दिवाली को सेलिब्रेट करना सेफ्टी के साथ। तो गाइस अभी हम आते हैं अपनी आज की वीडियो के टॉपिक पे। आज मैं वीडियो डालने नहीं वाला था, पर फिर मैंने सोचा कि चलो डाल देते हैं। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको कुछ हेडशॉट से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर कोई चैनल पे नया आया है तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। तो टिप नंबर 1 होने वाली है कि आमने सामने की फाइट में जब भी आपका एनिमी आपके सामने नूव वॉक करेगा, तब आपने उसे वन टाइम हेडशॉट कैसे मारना है। तो अगर कोई एनिमी आपके सामने नूव वॉक करता है तो सबसे पहले आपने अपने एम को देखना है। अगर आपका एम एनिमी से दूर रहेगा, जैसे कि मेरा एम इससे काफी ज्यादा दूर है, तो आपने एनिमी के ऊपर पहले ही फायर कर देना है। जिस भी साइड को एनिमी आपका जॉयस्टिक के साथ मूव कर रहा है, आपने उसी साइड को अपने फायर बटन को ड्रैग कर देना है। अगर वन टाइम हेडशॉट लग गया तो ठीक है, अगर नहीं लगा तो आपने फास्ट मूव करना है ताकि आपको वन टाइम हेडशॉट ना लगे। और अगर आपका एम उसके पास ही रहेगा या फिर उसके पैरों के नीचे रहेगा, तो आपने सबसे पहले उसे फायर करने देना है। जैसे वो फायर करेगा, आपने उसके बाद फायर करना। इसके ऊपर मैं एक फुल वीडियो भी बना सकता हूँ कि नूव वॉक वाले प्लेयर को कैसे वन टैप मारे। अगर चाहिए होगी तो भाई कमेंट कर देना। तो गाइस अभी हम बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ, जो कि होने वाली है अगर आपके सामने कोई एनिमी बहुत ज्यादा मूवमेंट दिखा रहा है तो उसे वन टैप कैसे मारे। सबसे पहले तो अपने जॉयस्टिक पकड़ के रुक जाना है और उसकी मूवमेंट को देखना है, वो किस साइड को भाग रहा है। फिर अपने एम को देखना है और अपने एम के अकॉर्डिंग ड्रैग कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मुझे रोटेशन ड्रैग करना था और मैंने लेफ्ट साइड को रोटेशन ड्रैग किया और इसे वन टैप हेडशॉट लग गया। जॉयस्टिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप जॉयस्टिक का यूज करके कौन कौन सी सिचुएशंस में वन टैप हेडशॉट मार सकते हो, तो वो वीडियो भी जल्दी आने वाला है। तो गाइस अभी हम बात करते हैं टिप नंबर 3 की। ये टिप होने वाला है कि आपने स्टार्टिंग में ही अपने एनिमी को वन टैप हेडशॉट कैसे मारना है। स्टार्टिंग में ही आपको वन टैप हेडशॉट मारने के लिए ड्रैग करना पड़ेगा अपने एम के अकॉर्डिंग। जैसे कि अभी मेरा एम यहाँ पे था और एनिमी मेरा राइट साइड है, तो यहाँ पे मुझे राइट साइड को रोटेशन ड्रैग करना था और मैंने सही तरीके से किया और इसे वन टैप हेडशॉट लग गया। और अगर आपका एनिमी आपके बिल्कुल सामने होगा, फिर आपने अपने एम को उसके पैरों के नीचे सेट कर देना है और सिंपल सा स्ट्रेट ड्रैग करना है और उसे वन टैप हेडशॉट लग जाएगा। और अगर आपका एम एनिमी की राइट साइड आएगा और आपका एनिमी लेफ्ट साइड में रहेगा, फिर अपने लेफ्ट साइड को रोटेशन ड्रैग कर देना है और उसे वन टैप हेडशॉट लग जाएगा। पर गाइस ये काम उतना भी इजी नहीं है जितना कि देखने में लगता है, पर मैंने आपको प्रोसेस के बारे में बता दिया। जब हमें प्रोसेस के बारे में पता लग जाता है, फिर हम प्रैक्टिस करके वो चीज कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं टिप नंबर 4 की। टिप नंबर 4 हमारी होने वाली है राइट साइड को रोटेशन ड्रैग के लिए। इन गेम में हमें ज्यादातर रोटेशन ड्रैग ही करना पड़ता है राइट साइड को। तो जब भी आपका एम लेफ्ट साइड आएगा और आपका एनिमी राइट साइड होगा, तब आपने राइट साइड को रोटेशन ड्रैग कर देना कुछ इस तरीके से और आपके एनिमी को वन टैप हेडशॉट लग जाएगा। और रोटेशन ड्रैग हम काफी ज्यादा दूर से भी कर सकते हैं। जैसा कि इस क्लिप में मेरा एम काफी ज्यादा दूर है, एनिमी मेरा इस साइड को भाग रहा है, इसके हेड की तरफ हमने रोटेशन ड्रैग करना है और इसे इजीली वन टैप हेडशॉट लग जाएगा। राइट साइड रोटेशन ड्रैग बहुत ज्यादा काम आता है। अगर आप सही से रोटेशन ड्रैग करना सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको राइट साइड को रोटेशन ड्रैग करना सीखना पड़ेगा। जब आप अच्छे से राइट साइड को रोटेशन ड्रैग करना सीख जाओगे, उसके बाद ही आप लेफ्ट साइड को रोटेशन ड्रैग करना सीख पाओगे। लेफ्ट साइड को रोटेशन ड्रैग करने के लिए फिर आपको सीखना भी नहीं पड़ेगा। जब आप राइट साइड को सीख जाओगे, फिर आप लेफ्ट साइड को भी ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। और इन गेम में ज्यादातर टाइम हमें राइट साइड को रोटेशन ड्रैग करना पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा एम एनिमी के इस साइड है, मतलब कि लेफ्ट साइड है, और यहाँ पे मुझे राइट साइड को रोटेशन ड्रैग करना पड़ेगा। मैंने किया और इसे इजीली वन टैप हेडशॉट लग गया। और इस क्लिप में मेरा एनिमी काफी ज्यादा मटक कर रहा था और मेरा एम जैसे इसके राइट साइड आया, मैंने अपने फायर बटन को लेफ्ट साइड को घुमा दिया अच्छे से और इसे अच्छे से वन टैप हेडशॉट लग गया। तो अगर सही से रोटेशन ड्रैग करना सीखना है, तो सबसे पहले राइट साइड को रोटेशन ड्रैग करना सीखो, देन आप ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड को रोटेशन ड्रैग करना सीख जाओगे। और सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप और हैंड कैम वीडियोस देख सकते हो। और इसके बाद काफी ज्यादा खतरनाक वीडियोस आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर लेना। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो बाय बाय गाइज, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।